वेलकम टू साइंटिफिक फिटनेस। यहाँ बात होगी फिटनेस की साइंटिफिक तरीके से। आज का मेरा टॉपिक है साइड इफेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन। कि सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटीन किस तरह से बनता है। अब प्रोटीन ये डाइटरी सप्लीमेंट है। जब चीज़ मेकिंग प्रोसेस रहता है तो इसमें से जो लिक्विड सेपरेट करते ये लिक्विड को इन लोग फिल्टर करते, इसके बाद इसको रिफाइन करते, फिर इसको स्प्रे करते या ड्राई करते और उसके बाद इसका वे प्रोटीन का पाउडर बनाते। ये बन जाता है आपका वे प्रोटीन। इसके तीन टाइप्स के वे प्रोटीन आते हैं। सबसे फर्स्ट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड वे प्रोटीन आइसोलेट और थर्ड वे प्रोटीन हाइड्रोसेट। सबसे पहले वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। इसके अंदर 70-80% प्रोटीन रहता है और उसके अंदर लैक्टोज भी ज़्यादा रहता है, फैट और मिनरल्स भी ज़्यादा रहते हैं। फिर वे प्रोटीन आइसोलेट, अब इसके अंदर 90% प्रोटीन रहता है लेकिन सब रिफाइंड रहता है, लैक्टोज भी और फैट भी। वे प्रोटीन हाइड्रोसेट ये सबसे डिफरेंट रहता है, ये ऑलरेडी प्री डाइजेस्ट रहता है, यानी कि आपकी बॉडी को एब्जॉर्बिंग के लिए ये फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते तो आपको क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले इसका है प्रॉब्लम की डाइजेस्टिव इशू। अब डाइजेस्टिव के प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं कि आपको सिम्टम्स से पता चल जाएगा। जिसके सिम्टम्स क्या है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, स्टमक क्रैम्स है और डायरिया है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी हो सकता है कि जो लोग लैक्टोज इनटॉलरेंस रहते हैं, यानी कि उन लोगों को दूध की चीज़ नहीं जमती है, यानी हजम नहीं होती, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। वे प्रोटीन दूध से बनता है। अब जो लोग को दूध से एलर्जी है ऑटोमेटिकली उनको वे प्रोटीन से भी एलर्जी हो जाती है। ये कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स है कि सबसे पहले हाइव्स आ सकती है, रैशेस आ सकता है, फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट एंड टंग की स्वेलिंग हो सकती है, ये इनके सिम्टम्स है। लेकिन ये प्रॉब्लम रेयर रहती है बहुत एडल्ट्स के अंदर। इनको जो इंटॉलरेंस है किस वजह से होता है कि इनके अंदर एंजाइम की डिफिशेंसी होती है, इसलिए इनको चाहिए कि नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे सोय, पी, एग, राइस, हैम प्रोटीन, इनको ये चीज़ कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है किडनीज की। जो लोग ज़्यादा वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं इनको किडनी का इश्यू हो सकता है। क्या होता है कि जब हाई प्रोटीन कंज्यूम होता है तो किडनी के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, किडनी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को फिल्टर आउट करना पड़ता है, इसकी वजह से इनको जो है किडनी डैमेज हो सकता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है जिसको किडनी डिजीज़ है, लेकिन जो हेल्दी है उसको इतना इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लीवर की। जो लोग हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं उनको लीवर का इशू हो सकता है, जिसको सिरोसिस की प्रॉब्लम रहती है। सिरोसिस क्या है, ये एक लीवर डिजीज़ है। लीवर का काम क्या रहता है, ये डिटॉक्सीफाई करता है ब्लड के अंदर से जितना भी अमोनिया रहता है जो बाय प्रोडक्ट रहता है प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म का। जिसको सिरोसिस का प्रॉब्लम रहता है उनका लीवर फंक्शन बराबर नहीं करता है। अब हाई प्रोटीन और आ जाते हैं तो उससे जो है इनका अमोनिया लेवल भी इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर और इनको ब्रेन का भी इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एक डिजीज़ है जो बोन से रिलेटेड है, जिसके अंदर बोन हॉलो हो जाती है और पोरस हो जाती है। जब बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन मिलता है बॉडी ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा कैल्शियम बोन्स में जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलूंगा आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक करो और कमेंट करो।